नमस्कार दोस्तों, साथियों आज आपको 4.5 इंची कोइल में दिखाऊंगा। 1500 वाट का स्पीकर, लेटेस्ट मॉडल है ये, दासका कंपनी का है और ये जाएगी सोनीपत भाई बेस अपनी। पहले बढ़ा के दिखाता हूँ। और दोस्तों टेस्टिंग की बड़ी शिकायत आती है मेरे पास कि भाई टेस्टिंग दिखा, टेस्टिंग दिखा। अब देखो मैं टेस्टिंग कैसे दिखाऊँ जब मेरे यहाँ पे बिजली नहीं है। अब ये देखो ये पंखे बंद है, ये मेरी माँ पंखे से चला रही, बीजना ले रही है, बीजने से चल रही। देखा ये हमारे डांगर हैं, इन पर पंखे चला रहे थे, ये भी बंद है। अब टेस्टिंग के बहुत कमेंट आए, देख लो ये गर्मी में बैठे हैं डांगर भी हमारे, ये नहाए नहीं सुबह तक, क्योंकि यहाँ पे बिजली की बड़ी समस्या हो रही है। एक तो ट्रांसफार्मर फूक जाता है मेरे गांव का, दूसरी बात मेरा केबल इतना लंबा है यहाँ से, जो भाई मेरे पास आवे ना, पकड़िए, जो भाई मेरे पास आवे मैं समझ सका हूँ, मैं दिखाऊंगा। मैं भाई देख ये मेरे सारे सब स्विच खराब हो रहे, बोर्ड पार्ट ये मेरा केबल सारा आग जड़ी पड़ी। अगर मैं 2 बेस भी चला दूं तो 2 बेस में केबल मेरा फूक जाता है, क्योंकि 200 मीटर लंबा केबल पड़ा है यहाँ से। ठीक है, खंबा कटा है अपने यहाँ घर पे, लेकिन इस खंबे पे तार, खंबा भी दिखाओ, इस खंबे पे तार नहीं है, कनेक्शन मेरा है, सब कुछ है, लेकिन ये यूपी है, आपको पता कि क्या सिस्टम है यहाँ, यहाँ पे लाइट नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइट की बहुत तगड़ी समस्या है दोस्तों। मैं तो सोचूंगा मैं टेस्टिंग दिखाऊं है कि नहीं, सारी सेटिंग वेटिंग आपको बताऊं, उससे व्यूज और ज्यादा आएगा जब सेटिंग की वीडियो बनाते हैं, व्यूज सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप स्पीकर देखो, चलिए और टेस्टिंग भी आया करेगी, बिजली का समाधान भी मैं आपसे ज्यादा जरूरत है। आप ये मत सोचते भाई मुझे सुनता नहीं, मुझे सारे कमेंट देखता हूँ मैं आपके, एक एक कमेंट पढ़ू मैं, रिप्लाई भले ही ना दूँ, क्योंकि रिप्लाई दूँ तो फिर लोग बात कोई बुरा मान जाता है भाई, इससे बढ़िया अपना साइलेंट रहो। ये देखो पैकिंग, देखो पैकिंग बहुत अच्छी देती है कंपनी में, बारिश वारिश में दिक्कत ना आए इससे कुछ ट्रांसपोर्ट पर भी। ये देखो काटने पड़ेंगे, ये देखो बंद भी रखा है इसको, ये देखो भाई मॉडल नंबर 18SP452, क्वांटिटी 1 पीस, नेट वेट 16 किलो है, ग्रोस वेट 19.5 किलो, ग्रोस वेट का मतलब होता है कि गत्ता लगा के। ठीक है, साइज है 56x56x34। ठीक है, अब आपको खोल के दिखा रहा स्पीकर, देखो कैसा दमदार है ये भी स्पीकर, कंपनी बढ़िया है, ये भी पुरानी कंपनी है। ये देखो, ये देखो पैकिंग देखिए, उधर निकल गया एक, अब दूसरा आ गया, निकल गए दो, अब आ गई तीसरी, इसमें है स्पीकर। ये देखो स्पीकर आप खोल के दिखाऊंगा आपको, पूरा चालू करके दिखाऊंगा। ये देखो जी 4.5 इंची वॉइस कॉइल है, तो उसको 1500 वाट है, थ्रो चाहिए जिसको, मैम थ्रो के लिए है, हरियाणा में चलते हैं, ये बहुत अच्छा टैग मिलेगा ये। ठीक है दोस्तों, एक टैग है जो बहुत अच्छा टैग है, ये देखो जी भगवा कलर एकदम, और जबरदस्त लुक है। ये देखो गहराई बहुत है स्पीकर की, पंच बहुत तकड़ा देगा, ये देखो। ठीक है, ये रिंग भी देखो, और अंदर से स्पाइडर भी आपको दिखा रहा, दिखाओ आप स्पाइडर, देखियो स्पाइडर बहुत अच्छा है, ये देखो एलंकी पे पूरा स्पाइडर टाइट है, देख लो ध्यान से, एलंकी रिंग है, सिलिकॉन का है पूरा स्वेटर, कौन है पूरी, ये देखो बहुत, अगर आप देख के चलोगे वैसे तो बहुत, ये देखो यहाँ से भी हीटसिंग दे रखी है इसमें, देखो छेद यहाँ पे हीटसिंग है, ऊपर भी हीटसिंग है यहाँ पे, और गहराई देखो बहुत है स्पीकर की, यहाँ से गहराई, और नीचे भी देखो पूरा अंदर तक देखो, इसमें अंदर पंखा लगाया गया है, डस्ट ना जाए जी जिससे अंदर, कोयल में होल भी वेंटिलेशन के बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, ये देखो आप ध्यान से, ये देखो 1500 वाट आरएमएस पावर है, 18 HP452 इसका मॉडल है। ठीक है दोस्तों, 8 ओम्स इम्पीडेंस है, वाई 35 ग्रेड की मैग्नेट है पूरी। ठीक है, और भाई चेसी भी डिजाइन भी लुक भी सबसे अलग है, सबसे यूनिक है डिजाइन भी। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट दिखा देता हूँ, इस कैबिनेट में फिट होगा, देखो
ये कैबिनेट है, ठीक है जी, डुअल की कैबिनेट है ये, इसमें ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, पंच के लिए है, बहुत अच्छा पंच आएगा इसमें। और भाई टेस्टिंग का मैं बता दिया भाई, टेस्टिंग का दोस्तों मुझे आपसे ज़्यादा फिकर है, तो जल्दी आपको टेस्टिंग भी दे दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वीडियो सपोर्ट बना के रखो अपने भाई का, भाई मिलती रहेगी आपको वीडियो, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अब पेस्ट फिटिंग करेंगे, आप देखना ये अपना 18455 है अपना, 18452 है, 18452 फिटिंग करते हुए देखना कैसी फिटिंग होगी, कैसे क्या होगा, सब चीज़ देखना भाई। ये खोल दिया स्टिकर, फिट करके दिखाऊंगा पूरा, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया स्पीकर है, तो पैकिंग जबरदस्त है, ऐसी पैकिंग किसी कंपनी की नहीं आपकी, एजेंसी जब है देख ली, क्योंकि हर कंपनी का माल आता है अपने पास, वो ऐसी पैकिंग मिलती है। ये देखो भाई ऐसा निकलेगा, ये टर्मिनल देख लो, पहले भी जब टर्मिनल आए थे, ओरिजिनल है सब माल, लुक एक नंबर की है स्पीकर की, जबरदस्त लुक है। देखो फिटिंग करके दिखा रहे हैं आपको, ऐसे कुछ होगा, रेड पर रेड, ब्लैक पर ब्लैक, ये ध्यान रखना है रेड पर रेड, ब्लैक पर ब्लैक का। यहाँ से अच्छे से आपको ज्वाइंट कर लेना है, पूरा लंकी पे अप्लाई करेंगे इसको पूरा एलजी पैच से, जिससे कि लेना है दूसरे वाला स्पीकर भी, जो दूसरे वाला दोनों एक साथ टाइट करेंगे। ये स्पीकर ओपन होगा, ये खोल दिया, ये आ गया बाहर, पोलो तीन से बाहर निकाल लो इसको, ऐसे और इसको फिट कर देना, खुद ही कर दिया। स्वेटर और स्वेटर देख लो भाई, स्वेटर दिखा दो एक बार, और ये हमने लीड वायर है इसकी, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ये भी ओरिजिनल में ये होता है ना, टंका अटता है ना, डस्ट कैप उड़ती है, ठीक है, लोकल में डस्ट कैप की बड़ी प्रॉब्लम आती है उड़ने की, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हो गई फिटिंग, देखो ये हो गई अपनी कैबिनेट फिट, ठीक है जी, ऐसे एल एंकी में टाइट हो गए स्पीकर अपने, ये देखो ये यहाँ देखिए टाइट हो गए, और ये लुक आएगी, ठीक है दोस्तों, आप ले सकते हो। ये देखो दोस्तों, जाली लगने के बाद ये ऐसा लगेगा आपको स्पीकर, ये देख लो भाई, और दूसरा भी दिखा रहा है, एक और पेस्ट फिट होगी अभी, ऐसा है देखो, ये कलर भी अलग दिख रहा है इसमें अंदर, ऐसी जाली लगने के बाद ये गर्दा बैठा है इसमें यहाँ पे, नहीं तो दिखना बहुत अच्छा, जब साफ हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, अभी गर्दा बैठा है इस पर, गर्दा मट्टी, ठीक है दोस्तों।